आप देख रहे हैं इंदिरा गांधी की 100 दिलचस्प कहानियों का, 100 कहानियों का ये 18 बात करेंगे ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार को आमतौर पे हर भारतीय, हर पढ़ा लिखा ही जानता है कि कैसे जो भिंडरावाले थे, जनरल सिंह भिंडरावाला, उनका कब्जा हो गया था स्वर्ण मंदिर पर, और कैसे आर्मी ने इंदिरा गांधी के आदेश पर निकाला था ढेर सारे जवानों की और 400 से ऊपर आम श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी उसमें। तो इनमें हम आम आदमी को ये सारी खबरें पता होती हैं। इनमें से जुड़ी हैं 5 ऐसी जिनमें जो बहुत सी आपको ना पता हो। ऐसी एक कहानी ये है कि जब इंदिरा गांधी ने काफी पहले मूड बना लिया था कि ब्लू स्टार जैसा कोई ऑपरेशन लाना है, तो उससे पहले प्लान हुआ ऑपरेशन सनडाउन। ये मैं ये तस्वीर दिखाना चाह रहा हूँ इस चैनल की, ये ऑपरेशन सनडाउन। ये दरअसल इसमें मार्गरेट थैचर का भी नाम आया कि इंदिरा गांधी ने उनसे भी मदद मांगी थी, और वो ऑपरेशन सामान्य आर्मी को नहीं करना था, वो ऑपरेशन करना था एक ये चेहरा मैं दिखाना चाहूंगा, ये बंदे आर एन काओ। आप समझ सकते हैं कि रॉ को इस आदमी ने खड़ा किया 1968 में, रॉ को इस आदमी ने खड़ा किया। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इंडिया की CBI से भी मजबूत, जो गुप्त रह के काम करती है, बांग्लादेश का जो युद्ध में मुक्ति वाहिनी को प्रशिक्षित किया, ढेर सारे देशों में काम करती है, इस आर एन काओ ने खड़ी की। जैसे आज मोदी के लिए अजीत डोभाल हैं, ऐसे ही इंदिरा गांधी के लिए आर एन काओ हुआ करते थे। उस वक्त उनके पास पोस्ट थी DGS, डायरेक्टर जनरल सिक्योरिटी, जो NSA के ही इक्वल आप समझ सकते हैं, उस वक्त NSA नहीं थे। तो उन्होंने काओ ने एक सलाह दी कि हम लोग एक ऐसा ऑपरेशन करते हैं, वो ऑपरेशन ये करते हैं कि एक डमी जैसा बनाते हैं, और वो डमी स्वर्ण मंदिर जैसा ही एक प्लेस बनाया गया। सबसे पहले रॉ के कुछ ऑफिसर्स और एक स्पेशल ग्रुप था, इन लोगों ने जो बनाया था सिक्योरिटी सर्विस के ऑफिसर्स का, वो गया स्वर्ण मंदिर, जर्नलिस्ट बन के, श्रद्धालु बनकर उन्होंने दौरा किया, एक एक जगह देखी। जब भी भिंडरावाले का कब्जा था, लेकिन श्रद्धालु, आम श्रद्धालु आते थे, जर्नलिस्ट आते थे, उन्होंने पूरी सिक्योरिटी जितनी सोच सकते थे, देख सकते थे, उसको देखा और उसको लेके एक ड्रॉ मैप ड्रॉ किया कि कैसे वहाँ पे एक डमी जैसा बनाया था। ये उत्तर प्रदेश में सरसावा नाम की जगह, जहाँ पे एयरफोर्स का बेस है, उस बेस पे ये पूरा बनाया गया, और लगभग 200 जो स्पेशल कमांडोज थे उनको ट्रेनिंग दी गई, और उनको MI हेलीकॉप्टर दिए गए, और उस वक्त अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर के तौर पे MI अवेलेबल था, और ब्रिटेन से प्रशिक्षक बुलाए गए कैसे उनको जाके उस पर कब्जा करना है। और जब कई बार हो गया, ये कई बार मॉक ड्रिल हो गई, तो इंदिरा गांधी ने उनसे फाइनल मॉक ड्रिल करने को कहा, और उस मॉक ड्रिल की रिपोर्ट आई। आर एन काओ खुद लेके इंदिरा गांधी के पास गए, तो इंदिरा गांधी ने पूछा कि कितनी कैजुअल्टी हुई। दरअसल इंदिरा गांधी पूछ रही थी कि आम पब्लिक, आम श्रद्धालु, कितने लोग की डेथ हुई, मतलब मॉक ड्रिल में। तो आर एन काओ का जवाब था कि करीब, वो सवाल समझ नहीं पाए, उन्होंने अपनी साइड के लोग बताने शुरू किए कि लगभग 20% हमारे सैनिक मारे गए और 2 हेलीकॉप्टर बर्बाद हो गए। तो इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा कि मैं पूछ रही हूँ कि श्रद्धालुओं की कैजुअलिटी क्या हुई, तो वो उनका जवाब था कि इसका हमने आकलन नहीं किया और मुझे इसके बारे में जानकारी उस वक्त नहीं थी। तो इससे इंदिरा गांधी थोड़ा सा गुस्से में आई, और उन्हें लगा कि उस जैसे मैं सोच रही थी वैसा नहीं हो रहा है, और इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन सनडाउन को वहीं डाउन कर दिया। तो ये कहानी निकल के तब आई जब मार्गरेट थैचर उस टाइम की केबल्स बाहर निकल के आई, और पता चला, तब ये ब्रिटिश MP थे लेबर पार्टी के, टॉम वॉल्सन, इन्होंने ये सवाल उठाया कि कैसे इतने बड़े ऑपरेशन में, जबकि वहाँ पे भी जो सिख हैं, वहाँ पे भी कांग्रेस के खिलाफ, इंदिरा गांधी के खिलाफ प्रोटेस्ट करते रहे लगातार लंदन में भी। तो ऐसे में सरकार पे सिख विरोधी होने का आरोप ना लगे, तो ये बात जब हुई, तो इसमें हुआ ये कि इंदिरा गांधी, जब ये बात उठी तो काफ़ी बवाल हुआ था उस टाइम पे। अब हम दूसरी स्टोरी जो लेके चल रहे हैं वो ये बताएंगे कि कैसे 71 वॉर के 2 हीरो, जिनमें से एक थे जनरल साबेज सिंह और दूसरे थे, ऐसे तो 71 के युद्ध के भी इंदिरा गांधी से लेकर सैम मानेकशॉ तक का नाम सबको पता होता है, उनके जीत का सेहरा उनके सर पे बनता है, लेकिन बहुत पहले से जब युद्ध की तैयारी चल रही थी, तो जो मुक्ति वाहिनी थी शेख मुजीबुर रहमान की, उसको इंटरनल ट्रेनिंग देनी सीक्रेट रूप से शुरू की थी। उसमें 2 लोगों का नाम था, एक आर एन काओ आपने ये देखे, और दूसरा चेहरा है मेजर जनरल साबेज सिंह। ये चेहरा मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, हमारी दूसरी स्टोरी इसी पे, कि ये दोनों शख्स 84 में, ये
आर्यन काव जो रॉ के चीफ हुआ करते रहो, जिन्होंने खड़ी की, उस वक्त डायरेक्टर जनरल सिक्योरिटी थे पंजाब के, पंजाब के मामलों में भी इंदिरा गांधी के सलाहकार थे वो, मेजर जनरल साबेर सिंह, ये दोनों ट्रेनिंग में कैसे मुक्ति वाहिनी जो बांग्लादेश की, जब बांग्लादेश बनने से पहले मुक्ति वाहिनी के जो कैडेट्स थे उनको इन्होंने ट्रेनिंग दी, उन युवाओं को मिलिट्री ट्रेनिंग दी, वो साबिर सिंह आगे विरोध में भिंडरावाला, ये भिंडरावाला की वो उन दिनों की तस्वीर है बस्तर की, और जनरल सिंह भिंडरावाला अपने समर्थकों के साथ हैं, ये उस वक्त तक खूब मिला करते थे, ओपन चेतावनी दिया करते थे सरकार को, तो साबिर सिंह ने इनका दामन क्यों थाम लिया, ये एक बड़ी कहानी है। और ये कहानी होती है कि साबिर सिंह जो थे, साबिर सिंह ने हुआ ये कि 76 में वो रिटायर होने वाले थे, उससे पहले ही उन पे कुछ करप्शन के चार्जेस लगे और उनका कोर्ट मार्शल किया गया, साबिर सिंह को आर्मी से हटा दिया गया। तो साबिर सिंह ने लगातार कहा कि मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, गलत है, मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। और जब साबिर सिंह के अनुरूप फैसला नहीं आया, आर्मी से हटा दिया गया, तो नेचुरली साबिर सिंह को अंदर लगा कि इसका बदला एक तरह से होना चाहिए। और वो जब ये भिंडरावाला प्रकरण उठा तो भिंडरावाला से उन्होंने हाथ मिलाया, उनके लोगों को ट्रेनिंग दी, आर्म ट्रेनिंग दी, वो जानते थे कि इंडियन आर्मी करती है, उसके कमांडोज कैसे वर्क करते हैं, पैरामिलिट्री कमांडोज कैसे वर्क करते हैं, तो उस हिसाब से उन्होंने हथियार भी जुटाए एक लेवल पे, और मिलिट्री सलाहकार के तौर पे कहाँ कहाँ से अटैक कर सकती है आर्मी, कैसी सुरक्षा व्यवस्था करनी है, कैसे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मारना है, ये सब किया गया। जब 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 ये ऑपरेशन ब्लू स्टार कम्प्लीट हुआ और जब जाँच की जा रही थी, रिकवरी की जा रही थी, तो लास्ट तो मिली ही साबिर सिंह की, उसके साथ ही भिंडरावाले की भी, और उसके साथ ही 51 LMG लाइट मशीन गन मिली, 1500 हथियार मिले, वो सब साबिर सिंह की वजह से थे। तो एक जर्नलिस्ट थे को BBC के, उन्होंने पूछा भी था साबिर सिंह से इंटरव्यू में, जब नॉर्मली आना जाना जर्नलिस्ट का होता था वहाँ पे, तो बोले कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप तो आर्मी के मेजर जनरल बहुत बड़ी रैंक पर रहे हैं। तो वो बोले कि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए सब कर रहा हूँ। हमारी जो तीसरी स्टोरी है, हमारी जो तीसरी स्टोरी कैसे भिंडरावाले के लिए जो आप ऑपरेशन ब्लू स्टार आप लोग सब लोग जानते हैं, लेकिन कैसे ये ऑपरेशन खाली ब्लू स्टार एक अकेला अपने आप में ऑपरेशन नहीं था, इनमें तीन ऑपरेशन अंतर्निहित थे, तीन ऑपरेशन में ही चलाया गया। आम लोगों को ऑपरेशन ब्लू स्टार पता होता है, इनके तीन पार्ट थे, वो तीनों पार्ट में पहला पार्ट ऑपरेशन मेटल, एक तरह से जो स्वर्ण मंदिर का मेन परिसर है उसको बचा के, उसको बचाते हुए वहाँ पे जो भी सिख उग्रवादी थे, जो भी साथी थे, सहयोगी थे भिंडरावाले के, उनको सबको या तो खत्म कर देना या गिरफ्तार कर लेना, वहाँ से खाली कराना एक तरह से स्वर्ण मंदिर परिसर। दूसरा जो इस तो ऑपरेशन मेटल में ये हुआ, उसके बाद जब ये ऑपरेशन मेटल ख़त्म हुआ कई दिन तो बाद, तो दूसरा ऑपरेशन शुरू हुआ, वो ऑपरेशन उसका नाम था ऑपरेशन शॉप। और उस ऑपरेशन शॉप में जो स्वर्ण मंदिर के आसपास कई किलोमीटर का एरिया था, जिनमें गांव भी शामिल थे, शहरी एरिया भी शामिल था, बाजार का एरिया भी शामिल था, और मेनली गांव में वहाँ सघन तलाशी आर्मी ने, पुलिस ने ली, और तमाम सारे संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया, कई दिन वो भी कार्यक्रम चला। और ढेर सारे जो तीसरा इसका पार्ट था ऑपरेशन ब्लू स्टार का, वो था ऑपरेशन बुडरोज। ये ऑपरेशन बुडरोज जो चला, वो चला कि पूरे पंजाब को उग्रवादियों से, जो खालिस्तान समर्थक थे उनसे मुक्ति दिलाना, और ये महीनों चला, और इसको बहुत दिनों बाद जो भी थी कामयाबी मिली, लेकिन ये लगातार ये उसी का पार्ट था। तो हम जो बता रहे थे कि कैसे ये तीन ऑपरेशन तो ये हो गए, एक ऑपरेशन ब्लू स्टार, चौथा नाम जो दिया जाता है, पांचवा नाम ऑपरेशन सनडाउन। हमारी चौथी स्टोरी है ज्ञानी जल सिंह की। ज्ञानी जल सिंह उस वक्त राष्ट्रपति थे और उन्होंने अपने मेमोयर की किताब थी मेमोयर्स ऑफ ज्ञानी जल सिंह, उसमें उन्होंने इंदिरा गांधी से नाराजगी के साथ साथ कई दिलचस्प कहानियों का और शिकायतों का जिक्र किया। उनमें से मैं एक दो स्टोरीज में लेना चाहता हूँ कि कैसे ज्ञानी जल सिंह ने इंदिरा गांधी से नाराजगी जताई कि आपने मुझे पहले से खबर क्यों नहीं दी, तो इतनी जनहानि नहीं होती, मैं कुछ करता। दूसरा, फिर उन्होंने सेना से जब उस वक्त पूछा कि जो अधिकारी थे वहाँ के, क्या वार्निंग दी गई थी पहले, शुरू की गई थी, तो उन्हें किसी ने झूठ बोला कि वार्निंग दी गई थी, उन्होंने अपनी इसी में जिक्र है, उन्होंने अपना बयान इसमें जो दिया है। और दूसरा जो पूछा गया तो वार्निंग नहीं दी गई थी, ऐसा उनका कहना था। तीसरा जो बात हुई, जब अरुण सिंह जब इंदिरा गांधी मिलने आई, तो इंदिरा गांधी ने उनसे कहा कि ऐसे ऐसे हुआ है, कोई किसी को, जितने लोग मरे हैं, इतने नुकसान हुए, सारी चीज़ें बता रहे थे। तो इंदिरा गांधी से उनकी कई मुद्दों पे लेके नाराजगी उन्होंने ओपनली व्यक्त की।
उसके बाद दो दिन बाद अरुण सिंह कांग्रेस के नेता थे, वो वहां जब घूम के आए स्वर्ण मंदिर परिसर में, तो राजीव गांधी उन्हें लेके राष्ट्रपति भवन पहुंचे और जेल सिंह से बोला कि ये बता रहे हैं क्या क्या हुआ है, लेकिन यानी जल सिंह को उस पर एतराज था, बोले कि नहीं जो मुझे और बाकी सोर्सेस बता रहे हैं वो नुकसान ज्यादा हुआ है। तो जब राजीव गांधी को और अरुण सिंह को लगा कि वो सहमत नहीं है तो वापस चले गए और इंदिरा गांधी को रिपोर्ट किया। इंदिरा गांधी ने तुरंत फोन किया जल सिंह को ये बताने के लिए, और उन्हें पता था कि एक तो सिख कम्युनिटी को पूरी नाराज कर चुके हैं, सिख कम्युनिटी का जो सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी या कह लीजिए बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, संवैधानिक पोस्ट पर है, वो है ज्ञानी जल सिंह जी, उनको नाराज करके नहीं चला जा सकता। तो उन्होंने खुद फोन किया और कहा कि आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप जाके स्वर्ण मंदिर खुद घुमाते। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं जाने को तैयार हूँ। तो इंदिरा गांधी ने यहाँ ये किया कि आर के धवन से कहा कि आप जाइए, उस वक्त राष्ट्रपति भवन का जो प्लेन हुआ करता एयरफोर्स का वो तैयार नहीं था, तो इंदिरा गांधी ने चार्टर्ड प्लेन भेजा और उससे फिर उन्होंने एक और आदमी अरुण सिंह को भी इंदिरा गांधी ने उनके साथ भेजा। यही मैं वो फोटो दिखाना चाहता हूँ जहाँ ये दोनों हैं, इधर आर के धवन है, अरुण सिंह है और ये जल सिंह है, स्वर्ण मंदिर का ये दौरा कर रहे हैं। बड़ी दिलचस्प बात ये है कि ज्ञानी जल सिंह ने जो मेमोयर में लिखा हुआ है, जो बताया कि कैसे अरुण सिंह और आर के धवन उनके सिक्योरिटी वालों से ज्यादा चिपक के उनके साथ चल रहे थे, साये की तरह चल रहे थे। ज्ञानी जल सिंह वहां जत्थेदारों से या जो मुख्य ग्रंथी है किसी बात करने की कोशिश करते हुए साथ खड़े होते थे। ज्ञानी जल सिंह ने उन्हें कई बार कमेंट किया। तो ज्ञानी जल सिंह ने मेमोरियल में ये लिखा भी है कि कैसे वो मेरे साथ जासूस की तरह चल रहे थे हमेशा से। दूसरा एक बड़ा वाक्य हादसा यही हुआ जब वो मेन परिसर की जहाँ पे तालाब है उसके आसपास जो परिक्रमा मार्ग है, ज्ञानी जल सिंह वहाँ खड़े थे कहीं पे, तो अचानक से एक गोली की आवाज आती है जो चलती है और उनसे कई कुछ फुट दूर खड़े उनके एक सिक्योरिटी ऑफिसर्स को जाके लगती है, जो कर्नल थे कोई, उनको लगी, उनके कंधे को चीटती हुई निकल गई। इसी तरह से ज्ञानी जल सिंह पे गोली मारी गई थी उस वक्त, ये स्वर्ण मंदिर में, ये बहुत कम लोगों को पता है। बात दबा दी गई तब पता चला कि कुछ सिख उग्रवादी जो थे अभी भी एक किसी टावर में छिपे हुए हैं। तो ये चौथी स्टोरी थी हमारी। पांचवी जो कहानी थी वो आर के धवन को लेकर थी कि कैसे आर के धवन को इंदिरा गांधी की जब हत्या ब्लू स्टार के बाद 31 अक्टूबर को हो गई, और ऐसे ही आर के धवन जैसे ज्ञानी जल सिंह से कुछ पीछे चल रहे हैं, इंदिरा गांधी से कुछ पीछे वो चल रहे थे। इंदिरा गांधी को 30 के करीब गोली लगी और उनको नहीं लगी, तो जो ठक्कर कमीशन बैठा था उसने पूछा, उसने सोचा कि आखिर ये कैसे हुआ। उसमें सतवंत सिंह जो गिरफ्तार हुआ था, इंदिरा गांधी का सिक्योरिटी गार्ड बेअंत सिंह को मार दिया गया था मौके पर, और सतवंत सिंह ने बयान दिया कमीशन में, जबकि मुझे बेअंत सिंह पूछा गया कि बेअंत तुमने धवन को गोली क्यों नहीं मारी, तो जो सतवंत सिंह ने बताया कि मुझे बेअंत सिंह ने बोला था, दो बातें बोली थी, एक 5 गोली मैं मारूंगा इंदिरा गांधी में, उसके बाद अगर तुमने गोली नहीं मारी तो छठी गोली तुम्हारे सीने के अंदर है, और दूसरी बात ये बोली थी कि धवन को गोली नहीं मारनी है, उनको बचाना है क्योंकि उन्होंने हम पे ढेर सारे हमारे फेवर किए। तो इससे माथा ठनका टक्कर कमीशन ने और कोशिश की, ये जानकारी बहुत कम लोगों के पास है और दिलचस्प है कि कैसे इंदिरा गांधी के जो पर्सनल सेक्रेटरी इतने करीबी, और आर के धवन पे ठक्कर कमीशन जो जस्टिस ठक्कर थे उन्होंने कहा कि इनका लाइट डिटेक्टर टेस्ट कराया जाए। अब वो बाद में हुआ या नहीं हुआ, लेकिन कई और चीज़ें थी। एक टीवी प्रोड्यूसर को का इंटरव्यू था जो 2-3 बार टाइमिंग उसकी चेंज की गई, इस पर भी धवन पे सवाल उठाए गए। तो ऐसी ये हमारी जो 18वां एपिसोड था 5 कहानियों को लेकर, और 90 स्टोरीज के साथ पूरी होती हैं, बाकी बची 10 कहानियाँ, 2 एपिसोड और बाकी हैं, वो जल्दी हम आपके लिए लेके आएंगे इंदिरा गांधी के 100वां जन्मदिन 19 नवंबर को। उसके लिए हमने ये 100 कहानी आपके लिए, आप बाकी के पूरे एपिसोड जरूर देखिएगा। थैंक यू, नमस्कार।